presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Please like and subscribe the channel. Hello, my dear subscribers and all the new page visitors. Welcome again to YouTube channel Civil Structure Tech Guruji. I am Engineer Hari. मैं आपको आज विशेषकर एक जॉब के बारे में, गेट एग्जाम क्या होता है एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब कैसे प्राप्त करते हैं, क्या स्कोप होती है गेट की, एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, सैलरी पैकेज क्या होती है, कौन से पीएसयू हैं, मोस्ट वांटेड 10 पीएसयू ऑफ इंडिया इन द लार्जेस्ट नेट प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड पैकेज के बारे में भी मैं सभी की चर्चा करूंगी। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि समय पर सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन एंड सब्सक्राइब रेड सब्सक्राइब बटन पर जरूर आप उसमें डैश करें ताकि जब भी मैं इस तरह से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ आपके लिए यूजफुल, वो आपको मैसेज मिलते रहे। और मेरा चैनल आपके लिए जो मेनली इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर वीडियो लाता है, जो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो हमारे साइट पर साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं सीनियर लेवल में या मिडिल या जूनियर लेवल में, सबको देख करके अंदाज करके हमारी वीडियो बनती है जो काफ़ी यूजफुल होती है। आप एक वीडियो को चेक करें, देखें कौन सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, काम का लग रहा है, तो मुझे कमेंट करें। गेट मीन्स ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम। ये एग्जाम एनुअली होती है। इस एग्जाम के थ्रू से आप बेनिफिट्स क्या है इसके, कि आप अच्छे से अच्छे कंपनी जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले गेट स्कोर के आधार पर आपको एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट मिलती है या ट्रेनिंग साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है। ट्रेनिंग का ये अर्थ नहीं हुआ कि आपको 2-4 हज़ार रुपये मिलती है उसमें 7 लाख से लेकर के आपको 30 लाख पैकेज मिल जाती है एज ए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंजीनियर्स। जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं मोस्टली 1 ईयर या 12 मंथ्स की होती है, उसके बाद में आपको प्रॉपर स्केल पर पोस्ट किया जाता है। बहुत हैंड्स ऑफ पैकेज होती है, लाइफ सिक्योर होती है, प्राइवेट की तरह नहीं, जो कि काफ़ी मेहनत के बावजूद भी लोगों को निकाल देते हैं माइनर गलतियाँ के कारण। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, जिसका आप जब उसमें अपना आंसर कोड करते हैं तो इसको उस समय ही ब्लॉक हो जाती है और इसको अल्टर करना किसी के लिए संभव नहीं होती है। आज तक तो बहुत ही फेयर हुए हैं, अभी इसमें किसी तरह के करप्शन अभी तक सामने नहीं आई है जहाँ तक मेरा जानकारी में है। 7 IIT जो इंडिया की टॉप IIT है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT BHU, IIT धनबाद, हैदराबाद, ये जो 7 IIT जो गवर्नमेंट उसको बनाती है पैनल में, तो ये एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, क्वेश्चन सेट कराते हैं, प्लस इसकी रख रखाव करते हैं और कंपनीज को भी सिलेक्शन में मदद करते हैं। जो होती है हर एक साल 10-15,000 रिक्वायरमेंट होती है सारी कंपनियों में, जो कि मैं लिस्ट दे रहा हूँ थोड़ी देर बाद में। वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बनेगी आपकी। तो इसमें हमारे कई तरह के PSU होती हैं। एक तो है आपका PSU जो कि गवर्नमेंट का है, इसमें कंट्रोल होता है जनरली 80-90% एस्टेक जो है गवर्नमेंट के हाथ में होती है। 20% आज कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है जो कि महारत्न के नाम से आती है, फिर नवरत्न के नाम से आती है, एक बार जरूर ट्राई करें। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे कौन से बिगेस्ट 10 PSU हैं, तो आप एक एक करके सभी को देखिए। फर्स्ट वन इज ONGC वाइल्ड एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। टोटल एम्प्लॉय इज 30,105।
headquarters New Delhi, and CEO is Mr. Subhash Kumar. Next one is, second position is GAIL, Gas Authority of India. Employment, total employee is 4,705, headquarters New Delhi, and CEO is Sri Manoj. CEO is Sri Manoj Jain. NTPC, National Thermal Power Corporation. Number of employees 19,918, headquarters New Delhi, and CEO is Mr. Gurdeep. Fourth one is Coal India. Total employees 2,72,445 and headquarters is Kolkata. Chief Executive Officer Mr. Pramod. Number fifth, Nuclear Power Corporation of India. Total employees 11,233, headquarters Mumbai, and Chief CMD Sri Bhuvan Chandra. Sixth, National Minerals Development Corporation, in short NMDC. Total numbers employees permanent 5,887, headquarters Hyderabad. Seventh one is Power Grid Corporation, PGCIL. Total employees 9,755. All are permanent employees, plus here casual employees had not been added and contract employees had not been added. Next one is Indian Oil Corporation. Total employees permanent more than 33,000, headquarters New Delhi. 9. BPCL, Bharat Petroleum Corporation. Total employees more than 9,000, headquarters Mumbai, and CMD Mr. Arun Kumar Singh. And 10th one is Power Finance Corporation of India, PFCL. Total numbers employees more than 500, headquarters New Delhi. Our ye sector jo hai rural se lekar ke urban ilake mein jo power shortage hai, power plant banane hai ya uske expansion karne hai transmission ke liye, ye soft interest pe fund provide karta hai. So I have discussed the 10 most topmost company PSU, which is Maharatna of India. So watch more. Thank you. Take care.